एकाग्रता और एकांत क्रिया। तो एकांतवासी निराकारी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है। ये भ्रुकुटी एक कुटिया है, गुफा कुटिया, तो इस तरह का अभ्यास भी बहुत हेल्प करता है। और इसके एक है बाप के अंत में और अंडरग्राउंड जाना, जो आज बाबा ने कहा ना, तो अंडरग्राउंड जाना, तो अंडरग्राउंड एक्चुअली ये आत्मा से कनेक्टेड होगा, अंडरग्राउंड जाना है ना। तो बार बार जितना हम ये फील करेंगे कि मैं आत्मा, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तुरंत भ्रुकुटी के बीच में विराजमान, ये फीलिंग आई। तो एक का अंत, ये अंडरग्राउंड जाना। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि मेरा 90% अटेंशन खुद के ऊपर होता है और 10% बाहर, इसी को अंडरग्राउंड स्थिति कहते हैं। तो इसलिए ये वाला मेथड हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आत्मा भ्रुकुटी कुटिया में गुफा में बैठी, वैसे जैसे बात करते करते दादी जानकी का भी पुरुषार्थ होता था, अब बात कर रहे हैं, सॉरी गुलजार दादी का विशेष, और एकदम चुप अंदर, जैसे ना अंडरग्राउंड गए। कई बार हम जो ना बातों में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो इसलिए एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि चार्ज नहीं होता है, सिर्फ डिस्चार्ज होता है, और फिर ये फील करते कि टाइम वेस्ट गया, टाइम वेस्ट गया। अच्छा, आपको लग रहा है यूजलेस बात है, भागना तो है नहीं, लेकिन बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड चले गए। उस कॉन्वर्सेशन में भ्रुकुटी रूपी कुटिया में फोकस कर दिया। ये ट्राई करके देखना, ये दो तीन बार मैंने ट्राई किया, तो इससे बोलने वाले बोल रहे हैं, हम चार्ज हो रहे हैं, ताकि फिर हम पार्टिसिपेट भी कर सके। तो रमणीकता, एकांतवासी भी, रमणीकता भी। तो एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, तो वो रमणीक होगा ही ना। ये ट्राई करके देखने वाला पुरुषार्थ है। तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो आज पूरे दिन में ये भ्रुकुटी रूपी कुटिया में बैठ कर ये पुरुषार्थ करना है। कार्यकर्ते में आत्मा करा रही हूँ शरीर द्वारा, ये तो बाबा ने कहा ना, जितनी बार मैं कर रही हूँ, और दूसरा कॉन्वर्सेशंस में मैं कुटिया भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी कुटिया में बैठी हूँ। मैं कुटिया में नहीं, हाँ मैं कुटिया में बैठी हूँ, अच्छा लगेगा। देखो 5 बार 10 बार ये नंबर्स बताना पड़ता है कि मिनिमम ये हो जाए उससे ज्यादा भी हो, कि बार बार कितनी बार हो जाता है, तो उससे क्या होगा, खुद की चार्जिंग बहुत अच्छी रहती रहेगी। अच्छा है ना पुरुषार्थ? तो आत्मा की भी हो गई, निराकारी आत्मा की भी, और तो ये पावरफुल प्रैक्टिस है। तो आज शाम को भी हम लोग करेंगे। हम एक एक जो कर रहे हैं, जैसे बाबा की कल हमने दृष्टि ली, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कंटिन्यूस हम करते हैं ना, तो जब भी कभी संकल्प करना होता है बाबा की दृष्टि, फिर इजीली हो जाती है, क्योंकि 10-15 मिनट तक एक ही एक्टिविटी पर हमारा पूरा केंद्रित होता है। तो इसलिए ये अभ्यास हेल्प करेगा। तो आज हम शाम बाबा से को बात, दीदी मेडिटेशन में वॉल्यूम थोड़ा और बेटर कर ले तो अच्छा अच्छा है। दीदी होमवर्क एक बारी और रिपीट कर दिखा दीजिए। तो ये पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है, ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। 1 मिनट वापस इस अभी कुटिया में बैठे, और फिर बाबा की याद में, खेत में कुटिया में बैठकर बाबा की याद करेंगे।